फाइनली आप सभी के लिए जो है वैसा वीडियो लाया हूँ जिसका आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी का बहुत जल्द जो है आपका सेंटअप एग्ज़ाम शुरू होने वाला, यानी आपके एनुअल एग्ज़ाम 2022 से पहले, यानी आपका जो एनुअल एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है उससे पहले आप सभी का जो है अपने कॉलेज में जो है सेंटअप एग्ज़ाम लिया जाएगा, याद रखना, और सेम पैटर्न पर लिया जाएगा। और क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर सेंटअप एग्ज़ाम में अगर पास नहीं होंगे तो उनको जो है एनुअल एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी उसका परीक्षा आप लोग जो है नहीं दे पाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आपको सेंटअप एग्ज़ाम में जो है पास होने के लिए आपको 30 मार्क्स जो है ज़रूरत है सभी सब्जेक्ट में। तो सेंटअप एग्ज़ाम के लिए जो है फर्स्ट वीडियो है, तो यह वीडियो आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि आप एनुअल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या नहीं है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो है और साथ ही जो है आप सभी के लिए जो है न्यू बैच जो है शुरू करने वाले हैं 1 जुलाई से, और उसमें 1 जुलाई से जो एकदम शानदार जो है न्यू टाइम टेबल के साथ जो है आप सभी का जो है तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग जो है उतना टेंशन नहीं लीजिए, जो जो सब्जेक्ट आपका अभी मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस के स्ट्रीम से समझो या आर्ट्स के स्ट्रीम है, तो सभी का जो है आपका टाइम टेबल 1 जुलाई से जो है 1 दिन में 3 से 4 क्लास जो है चलने वाला है। और उससे पहले आप सभी को जो है कुछ मेन टॉपिक आप सभी को बता देता हूँ जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यह वीडियो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखना, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में अगर पास हो गए तभी आप लोग एनुअल एग्जाम में जो है दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो आपको बहुत जल्द आप सभी को जो है सूचना मिल जाएगा कि सेंटअप एग्जाम इतने तारीख से जो है लिया जाएगा। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग जो है आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग देते चलिए, चलिए फटाफट देख लीजिए। और ये सेंटअप और एनुअल एग्जाम ये दोनों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो वो बातचीत यानी बातचीत हम करते हैं उससे मन जो है यह क्या कौन से प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग को याद है तो आंसर आप लोग फटाफट जो है देते चलिए, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग का जो है कितना सही हुआ। याद रखना बातचीत से मन जो है किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन आपका जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और साथ ही आपको याद रखना बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हो गए आपके बालकृष्ण भट्ट जी होंगे, ठीक है। और बातचीत जो है क्या है? आपका निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए पूछा जा रहा है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हिंदी की जो है पहली जो है श्रेष्ठ कहानी जो है कौन सी है? तो ये आपका उसने कहा था जो है सबसे श्रेष्ठ कहानी है, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगर बात की जाए उसने कहा था जिसके लेखक कौन है? तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ये आप सभी को जो है अच्छी तरह से याद रखना, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और साथ ही आप सभी को यह भी याद रखना, ये जो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ये कौन से गाँव से है, ये आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, ये गुलेर गांव से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही आप सभी यह भी याद रखना उसने कहा था जो ये क्या है, यह आपका कहानी है। देखो आप लोग क्या कीजिए, एक भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप लोग क्या कीजिए, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को माइंड में आप लोग चेन बनाते चलिए, आसानी से सारे क्वेश्चन आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी सारा क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी स्टूडेंट एंड तक एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का भविष्य जो है किसके जो है हाथों में है? अब देखो यानी जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है जो देश का जो फ्यूचर है ये किसके हाथों में है? ये आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएंगे क्या, नई पीढ़ी, या नई पीढ़ी के हाथ में आपका देश का भविष्य है जयप्रकाश नारायण के अनुसार, आपके ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। और साथ ही अगर बात की जाए जयप्रकाश नारायण के, तो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था, सभी आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, लोकनायक के नाम से, ठीक है, लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और साथ ही यह जो है जयप्रकाश नारायण कौन से चैप्टर के लेखक है, अगर पूछा जाए तो याद रखना संपूर्ण क्रांति, ठीक है। एक पेन भी ले रहा हूँ, बहुत कुछ ऑर्डर दे दिया हूँ जिससे क्लास जो है बेहतरीन हम लिख सकते हैं, तो वो सभी ऑर्डर दे दिया हूँ, 1 जुलाई से एकदम धमाल मचाना, ठीक है। देखो जयप्रकाश नारायण को जो है देश का भविष्य जो है किसके हाथों में है, तो यह जो है नई पीढ़ी के जो है हाथों में है। और साथ ही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है ये संपूर्ण क्रांति के क्या है, लेखक भी है, याद रखना सभी स्टूडेंट। और संपूर्ण क्रांति जो है यह क्या है, यह आपका हो गया भाषण, ठीक है, थोड़ा पेन आ जाएगा तो और भी बढ़िया लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है,
अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का जो है समन्वय है, तो अर्धनारीश्वर में जो है आपका पुरुष और नारी दोनों का समन्वय है। आपके ऑप्शन से बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, मालती के पति जो है किस बीमारी का ऑपरेशन कराए थे, तो कौन से बीमारी का ऑपरेशन कराए थे, तो ये गैंग्रीन का बीमारी। सभी के लिए जो है सुनहरा मौका लगा है, अनअकैडमी जो है आप सभी के लिए जो ऑल इंडिया रिविजन कैंप एंड मॉक टेस्ट लगाया फॉर नी 2021 के लिए। 15 डेज में आपको जो है टॉप, आपको जो है 15 एडुकेटर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 75 घंटे का जो है यह लाइव सेशन चलने वाला है। गिव द फाइनल बूस्ट टू जो है योर प्रिपरेशन, और साथ ही कैन यू स्टिल क्रैक दी 2021 इफ यू स्टार्ट नाउ जुलाई 1st से जो है 15 तक, यानी 1st जुलाई से 15 तक जो आप लोग इनरोल जो है फ्री में हो सकते हैं। आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, और आप सभी के लिए जो है पथ फाइंडर्स जो है टेस्ट भी जो है चल रहा है, तो इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3rd जुलाई को 6 से 9 PM में इनरोल फ्री है, और साथ ही इसमें जो है चेस यू नीड यूज डीम नाउ अन अकेडमी विल नाउ हेल्प यू कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप सभी को दे रहा है अन अकेडमी, और साथ ही इसमें जो है फंडी 2022 और 2023 के लिए, और लिमिटेड टाइम ऑफर है, अन अकेडमी आइकॉनिक है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। यह 21 जून से जो है आपको 30 जून तक जो है यह ऑफर वैलिड है, और साथ ही इसमें नीट यूजी प्लस बम्पर ऑफर आप सभी के लिए लाया है अन अकेडमी। नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल चल रहा है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। और इसमें ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 में जो है ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, ये इसमें जो है आपका वीकली टेस्ट सीरीज चलता है, यह जो है शुरू होने वाला है 23 जून को। और साथ ही आप सभी को के लिए जो है बैचेस फॉर नीट 2022 और 2023 के लिए जो है ढेर सारे बैच चल रहे हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेंगे, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे, और साथ ही लाइव टेस्ट क्विज होगा, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एकदम सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है ये भगत सिंह है। आपके ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा जा रहा है, सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, सिपाही की मां जो है इसके रचनाकार जो है कौन है, इसके रचनाकार आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, मोहन राकेश जो है सिपाही की मां के रचनाकार है। अगर बात की जाए दिनकर जी कौन से चैप्टर के लेखक है, भगत सिंह कौन से चैप्टर के लेखक है, और अज्ञा जी कौन से चैप्टर के लेखक है, ये सभी आप सभी को जो है कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। और सिपाही की मां के लेखक कौन है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में एट देखिए पूछा जा रहा है, शिक्षा का जो है क्या कार्य है, शिक्षा जो है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को जो है समझाने में मदद करना ही जो है शिक्षा का कार्य है। आपके ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, क्या होगा, संपूर्ण जीवन की जो है प्रक्रिया को समझाने में जो है किसका कौन मदद करता है, तो ये आपका शिक्षा ही जो है यह मदद करता है। आपके ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए पूछा जा रहा है, उदय प्रकाश ने जो है किस पत्रिका यानी कौन से पत्रिका के जो है संपादन विभाग में जो है काम किया, यानी उदय प्रकाश जी जो है ये किस पत्रिका के जो है संपादन विभाग में काम किया। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ई दिनमान में ही जो है ये काम किए थे, यानी आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए पूछा जा रहा है, मल्लेश का मूल नाम क्या था, तो मल्लेश जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, भरत जी श्रीवास्तव जो है मल्लेश जी का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन में ग्यारह पूछा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के कवि हैं, देखो मलिक मोहम्मद जैसी जो है कौन से शाखा के कवि हैं, यह जो कवि हैं ये प्रेम मार्गी कवि हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, प्रेम मार्गी कवि हैं कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एकदम जल्दी से जल्दी सारा क्वेश्चन आपको याद करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जी जो है कौन से भाषा के कवि हैं, यह जो है आपका ब्रजभाषा के कवि हैं सूरदास जी। आपके ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है, ब्रजभाषा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा जा रहा है, तुलसीदास को जो है किस वस्तु की भूख है। अब देखो तुलसीदास को जी जो है ये किस वस्तु की इनको जो है भूख है, तो आपके पास देखो कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखो तुलसीदास जी जो है भक्ति के ही जो है इनको भूख है, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, नावादास जो है किस धारा के कवि थे। अब देखो नावादास की बात हो रही है, ये कौन से धारा के कवि थे, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ये जो है
सुगुण उपासक जो है राम भक्त धारा के कवि थे। आपके ऑप्शन में से क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सुगुण उपासक जो है राम भक्त धारा के कवि थे। कौन थे? तो नाबादास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पंद्रह पूछा जा रहा है, भूषण ने मुख्यतः जो है किस भाषा में रचना की। आप देखो भूषण जी की बात हो रही है तो मुख्यतः जो है किस भाषा में जो है रचना की। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में सी होगा। ब्रज भाषा में जो है भूषण ने जो है मुख्यतः रचना की है। आपके ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सोलह पूछा जाए, सुभद्रा कुमार चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है या सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है लिखी कविता है, आपके ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। आप देखो शमशेर बहादुर सिंह जो है इनकी कविता का नाम क्या है? आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखो शमशेर बहादुर सिंह यानी ये कौन से कविता के लेखक है? उषा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। आपके ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एकदम एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट याद करते चलिए फटाफट। अब देखो अधिनायक जो है किस कवि की रचना है? अधिनायक आपका हो गया रघुवीर सहाय के जो है रचना है अधिनायक। आपके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, रघुवीर सहाय। यानी अधिनायक जो है किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक। कौन से? अधिनायक। ओके चलिए फटाफट एकदम मजे से याद करते हो चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, आज जो है जनता जो है किससे आतंकित है। यानी आज की जो जनता है या आज की जनता यह पूछा जाए किससे जो है आतंकित है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी, पूंजीवादी जो है व्यवस्था से जो है आज की जनता जो आतंकित है। आपके ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट एकदम मजे से याद रखना, आज की जनता जो है किससे आतंकित है? तो पूंजीवादी व्यवस्था से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बीस पूछा जा रहा है, उत्सव जो है कौन मना रहे हैं? तो उत्सव मना रहे हैं शासक वर्ग जो है, या उत्सव मना रहे हैं। आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, शासक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इक्कीस पूछा जा रहा है, हर्षोल्लास का जो है संधि विच्छेद क्या? हर्षोल्लास जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होता है हर्ष प्लस उल्लास होता है। आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद होता है हर्ष प्लस उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाईस है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्योदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय होता है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, सूर्योदय जो है शब्द इसका संधि विच्छेद, अच्छी तरह से याद रखना, सूर्य प्लस उदय होता है सूर्योदय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तेईस पूछा जा रहा है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उज्ज्वल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है उज्ज्वल। जब भी डबल जो होता है तो हमें हलंत पड़ जाता है, यानी उत् प्लस ज्वल होता है उज्ज्वल का संधि विच्छेद। आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, उत् प्लस ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौबीस देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या? उद्भव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होता है उत् प्लस भव। उद्भव, और ये भी याद रखना, तो में हलंत होता है प्लस वो होता है, ठीक है? तो उद्भव का संधि विच्छेद हो गया उत् प्लस भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पच्चीस पूछा जा रहा है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है? ऋग्वेद जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होता है ऋक् प्लस वेद होता है। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, ऋक् प्लस वेद होता है, ठीक है? तो चलिए 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। और सबसे पहले जरूरी सूचना है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप लोग ये नंबर है 9798030243, और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। और हाँ, आप सभी का जो है एकदम धमाल बैच जो है 1 जुलाई से जो है शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और इसमें जो है आपका 2-3 क्लास शुरू होगा, और अभी तक जो पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग यह नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो आप लोग पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, 1 जुलाई से नया बैच शुरू होने वाला है, और सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम की तैयारी जो एकदम धमाल से जो है करना है आप सभी को, ठीक है? एकदम मजे से पढ़िए, और सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मैसेज करके जो है आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और पेड क्लास में भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।